प्यारे बच्चे चलिए आइए चलते हैं हम लोग नाइन्थ क्लास सीबीएसई की साइंस की क्लास को हम लोग आज क्लास पढ़ते हैं जिसमें हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे यानी कि नाइन्थ क्लास सीबीएसई वालों के लिए हम लोग साइंस की क्लास को स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए पिछले दिन हम लोग पढ़े थे साइंस के बारे में, साइंस के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। अब उसके आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। उसके आगे हम लोग ये समझेंगे कि जो हम लोगों का आवर बुक्स है, बुक्स किताबें हैं हम लोग की साइंस की, वो साइंस की बुक जो है वो कितने कितने टर्म्स में बटी हुई है यानी कि उसमें कौन सा भाग फिजिक्स का है, कौन सा भाग केमिस्ट्री का है, कौन सा भाग बायोलॉजी का है। अब उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, इन्हीं सब बात को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग किताब में जो जो चैप्टर है वो कितने कितने पार्ट्स में है, कौन सा चैप्टर फिजिक्स में है पढ़ना है, कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है और कौन सा चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है, इन्हीं चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये सभी सारे हमारे बुक का नाइन्थ क्लास, ये कौन सी बुक है तो नाइन्थ क्लास इंग्लिश मीडियम यानी कि सीबीएसई के लिए अलाउड है। कौन सा बुक तो एनसीईआरटी। पहले बच्चों जो ये हम लोगों का बुक्स है उस बुक्स में टोटल चैप्टर अगर बोला जाए तो टोटल कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर है प्यारे बच्चों। यानी कि 15 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर फिजिक्स का है, कौन कौन सा चैप्टर बायोलॉजी का है, कौन कौन सा चैप्टर केमिस्ट्री का है वो हम लोग यहाँ पे दिख पा रहा होगा सामने कि फिजिक्स में टोटल 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4 चैप्टर है और इसमें भी 4 चैप्टर है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि 5, 4, 9 और 9, 4, 13 है, लेकिन एक है जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो 14 नंबर चैप्टर है। तो नेचुरल रिसोर्सेस हम लोग इसमें भी रख सकते हैं यानी कि 14 नंबर इसमें चलिए डाल ही देते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, और यहां पे हो गया 15 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, 15वां चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो प्यारे बच्चों ये हम लोगों का सिलेबस है यानी कि फिजिक्स में भी 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर है और बायोलॉजी में भी 5 चैप्टर है। अब चलिए अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये बात बिल्कुल नोट कर लेना है कि कौन कौन सा पार्ट जो है साइंस का फिजिक्स में है और कौन कौन सा पार्ट केमिस्ट्री में है और कौन कौन सा पार्ट बायोलॉजी में पढ़ना है। तो आप देख पा रहे होंगे 8वां चैप्टर जिसका नाम मोशन है, 9वां चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, ये 9वां चैप्टर है आपके बुक का। ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये है 10वां चैप्टर। वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ये 11 नंबर चैप्टर है। और फिर साउंड, ये सब सारे चैप्टर को 8 से लेकर 12 तक के चैप्टर को फिजिक्स में रखा गया है। एनसीईआरटी क्या करता है, सबको एक ही टर्म में 1 से लेकर 15 तक के चैप्टर को लिख दिया है। तो सबसे पहले हम उसको कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं कि कौन फिजिक्स में है कौन केमिस्ट्री में है। चलिए दूसरा है केमिस्ट्री का पार्ट, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं क्या है उसके बारे में नॉलेज लेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दूसरा का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के जो मैटर है पदार्थ है वो शुद्ध है या अशुद्ध भी है इसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भाग है। फिर तीसरा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी केमिस्ट्री के भाग में पार्ट में पढ़ना है, ये एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर में है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस यानी कि फूड रिसोर्सेस का इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, हम लोग जो खाना खाते हैं वो उसका विकास इम्प्रूवमेंट हमारे लिए कैसे है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये हम लोग केमिस्ट्री के पार्ट में पढ़ेंगे। और ये 4 तक तो ठीक है, 15वां जो चैप्टर है वो कॉमन है उसको केमिस्ट्री में हम डाल दिए हैं।
बायोलॉजी का बात करते हैं तो पांच से शुरू होता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सबसे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझने के लिए हम लोग बायोलॉजी में इसका पढ़ेंगे। फिर है टिश्यू, टिश्यू भी क्या है तो एक बायोलॉजी के चैप्टर में है। फिर डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें बायो डायवर्सिटी पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, कुछ अलग अलग भी पाई जाती है। जैसे हम हैं, अब हमारे भी बच्चे होंगे, उनमें मेरे से कुछ लक्षण अलग पाया जाएगा, यानी कि ये डायवर्सिटी होता है। खानदान जैसे जैसे आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ अंतर दिखाई पड़ता है प्यारे छात्रों, दैट इज डायवर्सिटी, उसको हम लोग बोलेंगे डायवर्सिटी। डायवर्सिटी इन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे। व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं भाई, हम लोग अच्छा खाना नहीं खाते, स्वस्थ नहीं रह पाते, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, या फिर आलतू फालतू का चाट चाउमीन मसाला खाते हैं। तो व्हाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, वाटर, एयर, ये सब का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सभी सारा हमारा सिलेबस है, आप इन चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से नोट कर लीजिए कि हमारा जो बुक्स है वो टोटल 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर में कौन फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री है, कौन बायोलॉजी है। इसको देखते हुए प्यारे बच्चों हम ये डिसाइड किए हैं कि हम यहाँ फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का फर्स्ट का 2 चैप्टर लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं कि फिजिक्स का भी 1 चैप्टर, केमिस्ट्री का भी 1 चैप्टर, और बायोलॉजी का भी 1 चैप्टर, ये सही रहेगा, या 2-2 चैप्टर करते हैं। ऐसा करते हैं कि एक एक चैप्टर ही हम लोग चलते हैं, एक बार फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स का जब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों जो आपकी सीबीएसई की जो स्कूल, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जहां भी आपका एडमिशन होगा, वहां पे जो आपकी एग्जाम की जो सिलेबस होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स नहीं रहेगा, वो चैप्टर वाइज कैटेगरी बांटा रहेगा सिलेबस में, कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, कुछ भी आ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी एग्जाम होगी ना, उसमें तीनों आएगा। जैसे एक एग्जाम हुआ हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली होता है ना एग्जाम, तो उसमें जो आएगा वो तीनों आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। तो हम ये डिसाइड किए हुए हैं कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे 1 चैप्टर, 2-2 चैप्टर नहीं, 1 चैप्टर। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग आएंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर से फिजिक्स आएंगे 9वां चैप्टर, फिर से केमिस्ट्री, फिर से बायोलॉजी, फिर से फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री, फिर से बायोलॉजी, यानी कि सब में 5-5 चैप्टर है। तो हम लोग बारी बारी से 3 बार पढ़ेंगे, यानी कि तीनों को टर्म्स में, पहले इसको, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स का अगला चैप्टर यानी कि 9वां। या बोले तो फिजिक्स में 5 ही चैप्टर है ना, सब में तो 5-5 है, तो एक बार खत्म करेंगे तो एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने एक चैप्टर खत्म होगा। एक बार अगर 3 पढ़ेंगे तो 3 चैप्टर एनसीईआरटी का। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोशन पढ़ना। फिजिक्स का एक पार्ट है मोशन। तो जनाब हम लोग आज से मेन टॉपिक्स पे आए हैं, तो मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये चैप्टर में जो जो कुछ भी होगा हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अच्छे से नोट्स बनाइएगा हम, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी से, और मेरा ये मानना है कि अगर एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को अगर आप पढ़ लिए तो 9th और 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए अक्सर होता है क्या ना कि 9th क्या है, 9th क्लास इज द बेस ऑफ 10th क्लास, यानी कि 10th क्लास का बहुत बढ़िया बेस है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए ना, ये अच्छा एक टूल्स है, और इस टूल्स को अगर आप अच्छे से समझ गए 10th में गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बशर्ते एक काम करना होगा, एनसीईआरटी को मैथ्स और साइंस को एक एक लाइन बाय लाइन आपको कंठस्थ होना चाहिए, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हम तो सिर्फ आपको रास्ता दे सकते हैं कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, आपको हम चीजों को समझा सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मींस कुल मिलाकर देखा जाए तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ही ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना। फिजिक्स क्लास 9th सीबीएसई, सीबीएसई नाम का है क्योंकि बस सीबीएसई कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम, बस यही है। और हालांकि बिहार बोर्ड में भी मेरे यहाँ एनसीईआरटी बुक्स चलता है, लेकिन वहां पे मीडियम हिंदी होता है,
तो सीबीएसई कहने का मतलब अंग्रेजी में हम लोग पढ़ेंगे सब चीज। तो फिजिक्स में आठवां चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन, अब सबसे पहले बार मोशन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि मोशन क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो भी चीज हम लोग किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसका एक टॉपिक दे देंगे, यानी कि मोशन मेरा मेन टॉपिक से है। अब इसके अंदर का बात, मोशन का डेफिनेशन, मोशन का एग्जांपल, कुछ भी लिखना होगा तो मोशन के बारे में एरो एरो दे देकर लिखेंगे। ये वाला का मतलब समझिएगा कि मेरा टॉपिक्स है और इस टॉपिक्स के नीचे छोटा छोटा बात है जो मोशन के बारे में हमें बतलाएगा। तो सबसे पहले मोशन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत सारे आप एग्जांपल्स मोशन का देखे होंगे, उड़ती हुआ, उड़ता हुआ पक्षी, आप पतंग उड़ाते हैं, चलता हुआ ट्रेन, चलता हुआ बस, आप दौड़ रहे होते हैं, ये सब सारा एग्जांपल क्या है। आप जनरल लाइफ में प्यारे बच्चों, आप अपने जिंदगी भर में बहुत सारी वस्तुओं को मोशन करते हुए देखा होगा। यानी कि मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टिकल, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, अगर अपना स्थान बदलता है, एक स्थान से दूसरे जगह जाता है, वो क्या कहलाता है, वो मोशन होता है। यानी कि प्यारे बच्चे, अगर मान लिया कि इस मार्कर को हम देख रहे हैं अभी कि 10 बजे यहां है, मेरे पास है, और जैसे ही फिर सोकर उठे 11 बजे देख रहे हैं, यही मार्कर अब यहां है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूर ये मार्कर मोशन किया होगा। यानी कि प्यारे बच्चे, मोशन क्या होता है, तो अपना पैलेस, अपने स्थान को बदलते हैं, चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, चलता है, वो क्या कहलाता है, मोशन। मोशन का सिंपल डेफिनेशन ये हुआ, कोई भी वस्तु, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, अगर वो टाइम के साथ अपना गति परिवर्तन, अपना स्थान बदल देता है, अपना पैलेस को चेंज कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो चलिए, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, अब फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, हम बोल के लिखवा रहे हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर पूरा सुनकर तभी लिखेंगे। तो मोशन के बारे में लिखेंगे, एनी ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंज विथ टाइम, एनी ऑब्जेक्ट पोजिशन चेंज विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। फिर सेकेंड एरो देंगे, इसमें लिखेंगे, यानी मोशन का ही सेकेंड बात, दूसरी बात इसमें लिखेंगे, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर बने शामिल होना, मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, एंड स्टेशनरी का मतलब किसी खास जगह पे, स्टेशनरी फॉर सम अदर। देखिए, अब मोशन के बारे में तो हम लोग पहले ही समझे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन, अपना स्थान, अपना पैलेस को टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन को बदलता है, अपना स्थान को बदलता है, वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। दूसरा में हम लोग ये लिखे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है वन पर्सन टू स्टेशनरी पर्सन, यानी कि मान लिया कि अब हमें को जाना होगा कहीं दूसरे जगह, ठीक है, हमें दूसरे जगह जाना है, अब जहां से चल रहे हैं दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पे हमको जाना है दैट इज अ फाइनल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। तो अगर कोई व्यक्ति मूव करता है, मुड़ता है, चलता है एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक, तब वो भी क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। क्योंकि मोशन का मतलब सीधा अर्थ प्यारे बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन चेंज विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ अगर अपना पोजीशन चेंज करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। अब मोशन भी कई तरह के होते हैं,
स्ट्रेट मोशन, यानी कि हम अगर सीधा चल सकते हैं, या फिर सर्कुलर मोशन, जैसे मान लिया कि कोई फील्ड है और उसके चारों तरफ हमको साइकिल चलाना है तो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। फिर होता है वाइब्रेटिंग मोशन, एक तार को तान दीजिए, पतला तार को, और बीच में टच कीजिए तो तार कैसे होगा, वाइब्रेट करेगा, फिर अपने आप में रुक जाएगा। अगर मान लिया जाए कोई रबड़ को तानिए, वो क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू करेगा। यानी कि बहुत सारे मोशन का टाइप्स अलग अलग है, यानी कि मोशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग तरह का मोशन होते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट लिखिए, मोशन का थर्ड पॉइंट, मोशन का थर्ड पॉइंट लिखेंगे मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट मतलब ज्यादातर, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल में वन लिखिएगा, अ स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकेंड सर्कुलर मोशन और थर्ड विब्रेटिंग मोशन। विब्रेटिंग स्पेलिंग VIBRATING, विब्रेटिंग मोशन। तो इसमें लिखें कि बहुत सारे जो मोशन है ना वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, जटिल होते हैं। एक सीधा हो गया, एक सर्कुलर हो गया, और वही नहीं, कहीं कहीं आप देखते होंगे जो अलार्म वाला जो दीवार घड़ी होता है उसमें भी कोई मोशन होता है, उसके बोलते हैं दोलन, दोलन गति हिंदी में बोलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि ये मोस्ट मोशन का, मोस्ट जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टेंगुलर मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, ये सब जो है अलग अलग तरह का कॉम्प्लेक्स है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, मोशन में ये जो तीन टाइप्स है, आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल यानी कि जो टाइप्स हम लोग पढ़े ना मोशन का, ये टाइप से बोलिए या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स बोलिए, तो ये जो टाइप्स होते हैं इनके बारे में हम लोग स्पेशल डीपली करेंगे कि क्या होता है सर्कुलर मोशन, उसका एग्जांपल क्या है। तो आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, अगले दिन हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास।